सर, किसानों की समस्या आप काफ़ी हद तक दूर कर रहे हैं ऐसे सब टेक्नोलॉजी वाली थ्रेसर ला के। क्या कुछ बेहतर आज हम देने वाले हैं सर? गिल तो वैसे भी इंडिया का मार्केट लीडर है थ्रेसर में जी, और अभी जो 2022 का इन्होंने जो थ्रेसर बनाया है उसमें काफ़ी चेंजेस किए हैं। सर, वीडियो चालू करने से पहले आपसे मैं बात कर रहा था, आप बता रहे थे कि जो सब्सिडी वाला भी स्कीम है वो भी किसान भाइयों को आप देने वाले हैं। तो इस समय अगर कोई सब्सिडी के माध्यम से थ्रेसर लेना चाहते हैं तो एक बेटर ऑप्शन है, और उनको ये श्योर हो जाता है कि उनको सब्सिडी अमाउंट मिलना ही है। तो इसमें 30,000 रुपये की जो गवर्नमेंट की सब्सिडी है थ्रेसर में, उसका लाभ किसान ले सकते हैं। उसके लिए मिनिमम दो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, एक आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और उसकी ऋण पुस्तिका की फोटोकॉपी। ये प्रक्रिया सर आपकी जवाबदारी करके देने का? हाँ, 100% अगर ये तीन पेपर कस्टमर फुलफिल करता है तो उसको सब्सिडी का अमाउंट जो होता है वो हमारी लायबिलिटी बनती है, हम उसको कैसे निकालते हैं। और पूरी डिटेल में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। और 80,000 का थ्रेसर चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक देखना, हम बताने वाले हैं आपको। किसान भाइयों, मेरा एक सर से सवाल है कि सभी कंपनी जो है किसानों के लिए एक से एक थ्रेसर बनाते आ रही है सर, लेकिन इस थ्रेसर में ऐसा क्या है जो किसान भाइयों को ज़्यादा फायदा दे सकता है? सर, गिल को लगभग 25 ईयर हो रहा है जो थ्रेसर में काम कर रही है, थ्रेसर के ऊपर जी। और मैं मानता हूँ इंडिया की सबसे पुरानी कंपनी है जो थ्रेसर बना रही है, और थ्रेसर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट किए हैं, और थ्रेसर हर टाइप के मॉडल में अवेलेबल किए हैं। क्या कुछ बड़े बदलाव हैं 2022 के मॉडल में, चलिए आइए हम जानते हैं। इसके अलावा सर, क्वालिटी में और क्या क्या बेहतर है गिल कंपनी पे? गिल कंपनी में बेहतर ये बोला जाएगा सर, जो ये स्टील उपयोग करता है वो एक तो चेकर्स और टाटा का स्टील उपयोग करता है जो थोड़ा सा कॉस्टली होता है, ठीक है सर। और ये स्टील का क्वालिटी काफ़ी अच्छा माना जाता है जी। तो जितने इसमें स्टील लगे हुए हैं वो एक तो चेकर्स स्टील है, चेकर्स स्टील का थिकनेस भी ज़्यादा होता है, बिल्कुल पहला रीजन। दूसरा, इनके जितनी भी थ्रेसर है ये सिंगल व्हील में कभी भी थ्रेसर बनाते नहीं है जी, डबल व्हील में बनाते हैं। डबल व्हील से बेनिफिट ये होता है कि ट्रैक्टर के ऊपर लोड नहीं जाता, मशीन वाइब्रेशन नहीं करता है, और वाइब्रेट नहीं होगा मशीन तो क्या होता है, इसमें जगह जगह जो नट बोल्ट लगे रहते हैं वो ढीले नहीं होते, ठीक है सर। तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी इनका बचता है। और इसके अलावा जो थ्रेसर में डबल व्हील लगा हुआ है वो स्मूथली चलने के नाम से उसमें क्या होता है, आवाज़ भी कम आते हैं थ्रेसर में, और जो उनको पावर थ्रेसर पे मिलना चाहिए वो एक्चुअल मिलता है। सर, इसमें आप माइलेज कैसा देने वाले हैं ट्रैक्टर में, क्योंकि जब अगर आप डबल व्हील कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं थ्रेसर का वेट बढ़ रहा है, तो माइलेज में क्या कुछ फ़र्क निकलने वाला है? देखिए, माइलेज जो थ्रेसर स्मूथली और साउंड फ्री वर्किंग कर रहा है तो उस थ्रेसर में क्या होता है कि ट्रैक्टर के ऊपर लोड नहीं आता है। अगर जो मशीन वाइब्रेशन करेगा, हिलेगा, तो स्वाभाविक ट्रैक्टर पर भी झटके पड़ना है, और उसके पार्ट्स जो होते हैं थ्रेसर के वो ऑलरेडी उसके नट बोल्ट वगैरह ढीले होते हैं, तो इस कारण से इसमें ट्रैक्टर में जो एक्चुअल डीजल कंजम्पशन होना चाहिए वो प्रॉपर मिलता है। और ये थ्रेसर का HP रिक्वायरमेंट होता है 35 HP के ऊपर का ट्रैक्टर, मतलब 35 HP के ऊपर के ट्रैक्टर में बिल्कुल अपन डबल व्हील और 7 पंखे का थ्रेसर ऑपरेट कर सकते हैं। सर, आपकी जो थ्रेसर है वो कौन कौन सी फसल मिंजाई करने में सक्षम है? अभी जिस थ्रेसर के सामने अपन खड़े हैं वो थ्रेसर, इस थ्रेसर में 5 प्रकार का फसल ले सकते हैं। पहला है धान जी, दूसरा गेहूं, चना, सोयाबीन, तिवरा, ठीक है सर। और इसमें जो आपकी क्वालिटी आप देख रहे हैं सर, ये तो मैं देख ही पा रहा हूँ कि आप इसमें चेकर चद्दर वगैरह लगाए हैं, और इसमें किसान भाइयों को पार्ट्स को लेकर भी समस्या खड़ी होती है सर, तो उसके लिए आपका क्या सपोर्ट रहेगा? देखिए, इसके जो रेगुलर जो पार्ट्स होते हैं जैसे बेल्ट हुआ, आपका ब्लेड हुआ, ये जनरली मार्केट में हर जगह अवेलेबल है। इसके अलावा भी अगर किसी पर का पार्ट्स लगता है कि नहीं मिल रहा मार्केट में, तो हमारे यहाँ 24 आवर्स के अंदर उसको अवेलेबल कराने की कोशिश रहती है, और इस थ्रेसर से संबंधित सारे पार्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। इसमें आपकी थ्रेसर में सर वारंटी कितना देने वाले हैं आप किसान भाइयों? वारंटी इसमें 2 सीजन का मिलना है, अच्छा, कस्टमर को। और फर्स्ट इंस्टॉलेशन जो हमारे कंपनी के टीम करती है, तो मशीन को कैसे ऑपरेट करना है, पैरा को दूर कैसे फेंकना है, इसका छन्नी के स्पीड को कितना रखना है, ये सब हमारा कंपनी के सर्विस पर्सन ही इसको गाइड करता है। ये सबसे अच्छा चीज़ लगा सर आपका, क्योंकि किसान भाई थ्रेसर लेने के बाद बहुत से ऐसे टेक्निकल चीज़ों से जूझता है जो उनको सही से ऑपरेट करना नहीं आता, इसकी वजह से वो थ्रेसर को ख़राब या फिर थ्रेसर को उपयोग ना लेने की वजह से उसका पैसा बर्बाद होता है। लेकिन सर की तरफ से एक टीम का मेंबर जाएगा, जो कहाँ से होगा सर? वो कंपनी पर्सन पंजाब से आएगा जी। पंजाब का बंदा आपके पास आएगा और आपका इंस्टॉलेशन करने के बाद
फर्स्ट जब भी आप थ्रेसर को यूज़ करेंगे तो वो आपको ट्रेनिंग करके जाएगा, ट्रेनिंग दे के जाएगा, जिससे आप इसको काफ़ी बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इनके तरफ से सपोर्ट आपको मिलने वाला है। पर इसका जो पैरा फेंकने की जो क्षमता है वो कितनी दूरी तक फेंक रहे हैं? देखिए, इसका पैरा फेंकने का जो कैपेसिटी है वो 50 से 60 फीट, लगभग 3 से 4 एकड़ का पैरा हटाने के लिए लेबर की ज़रूरत इस मशीन में नहीं पड़ना है जी। और इसमें एक ऑप्शन ये भी दिया है कि कई लोग क्या होता है पैरे को जो बारीक करना चाहते हैं तो एक ब्लेड एडजस्टिंग सिस्टम इसमें दिया है कि आप ब्लेड फिट कर दीजिएगा तो पैरा कटिन पे आएगा। अच्छा। अगर आपको पूरा खड़ी खड़ी पैरा चाहिए वो भी ऑप्शन है इसमें। बिल्कुल। लेकिन सर एक सवाल आपसे ये भी करना चाहूँगा कि पहले के समय में सिर्फ 3 पंखा 1 पंखे का ही थ्रेसर आया करता था, आज के समय में इतने ज़्यादा वैरायटी ऑप्शन हो गए, बहुत से किसान भाई अभी भी 3 पंखे का थ्रेसर यूज़ कर भी रहे होंगे, मेरे बात से आप जस्टिफाई करेंगे, इतने ज़्यादा पंखा बढ़ाने से क्या फ़ायदा मिलता है सर? ट्रैक्टर में काफ़ी ज़्यादा लोड भी पड़ता है और इतना पंखा बड़े होने से लंबी ज़्यादा हो जाती है थ्रेसर, जैसे मोड़ने भी समस्या होती है, तो आखिर इतना पंखे करने से क्या बेनिफिट मिलने वाला है? देखिए, पंखे के संख्या बढ़ाने से 2-3 एडिशनल बेनिफिट किसान को मिलता है। पहला बेनिफिट ये है कि एक तो लेबर कॉस्ट उनका बचता है, लेबर कॉस्ट बोला जाएगा, अगर एक बंदा पैरा हटाने के लिए लग रहा है तो स्वाभाविक बात हो 4 घंटा काम करने के बाद उसको आराम की फिर ज़रूरत पड़ेगा, फिर वो आराम करेगा, फिर वर्किंग चालू करेगा, तो लेबर कॉस्ट बचाने के लिए पैरा अगर फैन की संख्या बढ़ा रहा है तो पैरा काफ़ी दूर तक फेंकाता है जी। पहला। दूसरा क्या होता है, धान में किसी प्रकार अचड़ी वगैरह जो आता था उसको भी फिल्टर करने के लिए फैन की संख्या को बढ़ाए, और तीसरा है कि इसकी वर्किंग बढ़ जाता है। जो 2 पंखे 1 पंखे में जो पैरा कैपेसिटी होते हैं वो अगर 7 पंखे में लीजिएगा तो उसकी वर्किंग कैपेसिटी ज़्यादा होते हैं, तो ये भी एक रीज़न है। और इसके अलावा सर, जैसे आप अभी बता रहे हैं कि ये एक एलिवेटर वाला भी ऑप्शन अब थ्रेसर में आने लगा है, तो ये किन किसान भाइयों को लेना चाहिए और किस हद तक ये फ़ायदा पहुँचाएगा? देखिए क्या होता है, जिसमें एलिवेटर नहीं लगे रहता उसमें धान नीचे गिरता है, नीचे से अपने को पैक करना पड़ता है, बोरियों में डालना रहता है। इसमें एक ऑप्शन ये मिल जाता है कि किसान अपने ट्रॉली में डायरेक्ट धान को अनलोड कर सकता है और उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट में यूज़ कर सकते हैं, तो एक इसमें भी लेबर कॉस्ट बचाने के लिए ये एक ऑप्शन है कि डायरेक्ट धान को अपना ट्रॉली में डाल करके लेके जा सकते हैं। क्योंकि थ्रेसर आज के रेट में बहुत सारे किसान क्या करते हैं, खेत में ले जाते हैं, खेत में ही मिजाई करते हैं, वहाँ से बीज लेके आते हैं। बिल्कुल। तो ये लेबर कॉस्ट बचाने का एक अच्छा ऑप्शन है। किसान भाइयों, मेरी एक समस्या से आप भी सहमत होंगे, क्योंकि आपने भी जब भी थ्रेसर यूज़ किया है एलिवेटर वाला, खास करके समस्या बहुत आती है, इसकी जो हाइट है ना वो ज़मीन से काफ़ी कम होता है, जिसके वजह से ये टकराता है और ये डैमेज होता है, जिसके वजह से धान यहाँ से गिरना शुरू हो जाता है और एलिवेटर के वजह से कई एक जगह में थ्रेसर फंस भी जाता है, तो इस थ्रेसर में ऐसा क्या चीज़ यूज़ किया गया है आइए हम जानते हैं। सर, तो आपकी थ्रेसर में ये जो एलिवेटर वाला पार्ट है, बहुत किसान इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो उसके लिए आपने क्या किया है? देखिए, आप जो बता रहे हैं कि एलिवेटर ज़मीन से या मेड़ से टच होता है, बिल्कुल वो एक किसान की मेजर समस्या है, तो उसके लिए कंपनी ने क्या किया है, जो 6/16 का टायर यूज़ करती थी कंपनी, उसके जगह कंपनी ने आज के डेट में 7/19 का बड़ा टायर डाला है। बिल्कुल। जिससे ऑलरेडी ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ जाता है। बिल्कुल। पहला। दूसरा, एलिवेटर का जो सिस्टम है जी, वो ऑलरेडी उसके जो क्लेम है वो हाइटेड में फिट हुआ है, जिसके कारण से ज़मीन और एलिवेटर की ऊंचाई दोनों में काफ़ी डिफरेंट है, तो शायद ये मेड़ और ज़मीन टच होने वाला समस्या फार्मर को इस थ्रेसर में नहीं आना है। यही कुछ कारण है जो ये थ्रेसर बाकी अन्य थ्रेसरों से काफ़ी बेहतर साबित आपके लिए हो सकता है। दूसरा चीज़, एक छोटा सा पॉइंट है जो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, जो जब आप एलिवेटर वाला लेते हैं तो अगर आपको ट्राली में डायरेक्ट खाली नहीं करना है, तो अगर मैं आपको पास से दिखाऊँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हुक बना हुआ है, जिसे आप इसमें बोरी वगैरह इसमें लटका के सीधा इसे आप बोरी में भर सकते हैं, जो एक मजदूर ही अकेला काम कर सकता है इसमें। किसान भाइयों, आपके लिए एक ऐसा थ्रेसर हम दिखाने वाले हैं जो आपके बजट में आ जाएगा। सर, इसका क्या कुछ डिटेल रहने वाला है? ये थ्रेसर 2019 का है जी, और न्यू विश्वकर्मा करके एक ब्रांड है, ठीक है, उस कंपनी का थ्रेसर है, मैंने इसको एक्सचेंज में लिया है जी, और इसमें भी डबल व्हील लगा हुआ है, एक आप उधर देख सकते हैं लास्ट में और फ्रंट में, ठीक है सर, और इसके अलावा ये 5 पंखा है जी, टायर का साइज इसमें 7/19 है, मशीन 2019 का है जी, और मल्टीक्रॉप है, मल्टीक्रॉप अच्छा बोला जाए तो इसमें स्टील जाली, ड्रम जाली, और इसका ये जो हॉपर अभी ओपन दिख रहा होगा इसमें अलग से हॉपर भी है जी, उस साइड भी मिलेगा उसका, और प्लस इसका पीटीओ शाफ्ट वगैरह पूरी मशीन रनिंग कंडीशन में है। सर, इसकी कीमत कितनी रखी है आपने? ये मात्र 80,000 रुपया जी, और जो कंडीशन बताया हूँ उसमें सारे सामान के साथ मिलेगा, मल्टीक्रॉप, मल्टी का जो जाली होता है वो मिलेगा, टायर भी इसमें बड़े हैं 7/19 का, प्लस 5 फैन डबल व्हील के साथ,
ये मात्र 80,000 रुपये किसान को पड़ना है 2019 मॉडल। नए का क्या कुछ प्राइस है, कैसा रहने वाला है, वो भी हम आगे आपको दिखा रहे हैं। किसान भाइयों, अब हम आपको बता देते हैं कि इन सब थ्रेसरों की क्या क्या सी प्राइस रहने वाली है। सर, क्या क्या हम प्राइस इसकी कोट कर रहे हैं? थ्रेसर सर, हमारे पास आज के रेट में अगर जो कोई 6 पंखा थ्रेसर लेना चाह रहा है तो उसको मात्र 1,90,000 रुपया जी, और 7 पंखे में 2 लाख रुपया, और 8 पंखे में 2,10,000 रुपया। मल्टी क्रॉप का अगर कोई किट लेना चाहता है तो 10,000 रुपये एक्स्ट्रा पड़ेगा। एलिवेटर के साथ अगर कोई फार्मर लेना चाहते हैं तो 20,000 रुपये एक्स्ट्रा, और ये अमाउंट सब्सिडी के साथ है। अच्छा सर, और जो मैं फ्यूचर्स बताएं वो फ्यूचर्स के साथ मिलेगा जी। सर्विस के लिए कंपनी बिल्कुल लाइबल है, और हमारा फर्स्ट इंस्टॉलेशन फ्री है, और कलर का भी ऑप्शन है। अब मेरे पास हर रेंज है, एनी टाइम 100 मशीन का स्टॉक रहता है। तो इसमें ऑलरेडी आज का जो मैं रेट अभी जो जिक्र कर रहा हूँ वो शायद कंपनी इस रेट पर डीलर को माल सप्लाई करती है, बट अभी कस्टमर को ये ऑप्शन एक अच्छा मौका है जो बेनिफिट ले सकता है। बिल्कुल, तो ये सर सब्सिडी के साथ आपने जो बताया प्राइस। बिल्कुल, किसान भाइयों 3 डॉक्यूमेंट्स लाइए, और इस जो सर ने अभी प्राइस बताया इस प्राइस में आप बिल्कुल ले जा सकते हैं। सर, बहुत अच्छा आपने कलेक्शन बताया सर, और काफ़ी अच्छा किसानों के लिए आपने सपोर्ट कर रहे हैं ऐसा सब थ्रेसर को मार्केट में ला के सब्सिडी के साथ। किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं किसान भाइयों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।